वेलकम फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस अनदर वीडियो में। इससे पहले हमने जो है पार्ट वन में, जिसमें कीबोर्डिंग स्किल के बारे में जो है हमने कीबोर्ड से रिलेटेड सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, ये हमारा पार्ट टू है जिसमें हम जो है पॉइंटिंग डिवाइसेस माउस के बारे में और जो है उसमें कौन कौन से फंक्शन अप्लाई किए जा सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है कि कई बार क्या होता है, हम कीबोर्ड से टाइपिंग तो कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन रहते हैं जिसमें को हम अप्लाई करने के लिए हम जो है पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट करना है, क्लोज करना है, तो उसके लिए हमको क्लोज बटन में जाना पड़ेगा, प्रिंट ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे जो है केवल पॉइंटिंग डिवाइस केवल माउस का ही उपयोग नहीं कर सकते, और बहुत सारे पॉइंटिंग डिवाइस होता है। जैसे यहाँ पे बात करें जॉयस्टिक होता है, लाइट पेन होता है, टच पैड होता है, ट्रैक बॉल होता है, लेकिन माउस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कीबोर्ड के बाद जो है इनपुट डिवाइस है, और पॉइंटिंग डिवाइस में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे हम बहुत सारे जो है लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कर्व लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, शेप्स को आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है, तो इसके लिए हम जो है पॉइंटिंग डिवाइस माउस का उपयोग करते हैं। तो हम देख लेते हैं पहले माउस के बारे में, माउस क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके क्यों उपयोग किया जाता है। तो माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू पॉइंट ए पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन एंड सेलेक्ट टू परफॉर्म वन और मोर एक्शन। तो माउस जो है एक ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस है जो किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर क्या करता है, फोकस करता है। जैसे अभी भी मेरा जो माउस का कर्सर है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस्ड है, तो जब भी मुझको कोई भी एक्शन अप्लाई करना पड़ेगा तो मैं उस पॉइंट के पास ले जाके क्या कर सकता हूँ, आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। तो कोई भी मेन्यू के अंदर किसी कमांड हो गया, या फिर आपको रिसाइज विंडो करना है, किसी डेटा आइटम को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप उस आइकॉन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इसलिए जो है एक माउस जो है वो प्राइमरी जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो माउस के अंदर जो है तीन जो है वहाँ पे क्या होते हैं बटन्स होते हैं। तो एक होता है लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, और एक स्क्रॉल व्हील होता है। अब इसको जो है यूज करने का तरीका क्या रहता है, तो इसको यूज करने के लिए आपके जो फिंगर जो रहेंगे वो कैसे उपयोग करना है, तो यहाँ पे बताया गया है कि बाय डिफॉल्ट माउस इज कॉन्फिगर टू वर्क फॉर द राइट हैंड। राइट हैंड का उपयोग किया जाता है, लेकिन कई अगर लेफ्ट हैंड है तो वो भी इस माउस का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड पर्सन कैन चेंज द सेटिंग एज पर द नीड। यहाँ पे लेफ्ट हैंड अगर कोई है तो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसका अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो है स्क्रॉल करने के लिए दिया रहता है, और लेफ्ट बटन राइट बटन, चलिए देख लेते हैं आगे। तो पुट द राइट हैंड माउस इंडेक्स फिंगर गोस ऑन द लेफ्ट बटन। तो यहाँ पे इंडेक्स फिंगर जो रहेगा वो हमारा चला जाएगा लेफ्ट फिंगर में, ये वाला लेफ्ट साइड में जो है वो क्या चला जाएगा, इंडेक्स फिंगर चला जाएगा। फिर उसके बाद एंड ऑन द लेफ्ट बटन एंड द मिडिल फिंगर गोस ऑन द राइट बटन। तो राइट हैंड में हमारा जो है वो क्या रहेगा, मिडिल फिंगर रहेगा। एंड होल्ड द माउस विद द थंब एंड रिंग फिंगर। तो आपको क्या करना है, ये जो हमारा जो थंब जो रहेगा वो क्या करेगा, माउस को ऑपरेट कराने के लिए जो है ये हमको होल्ड करके रखे रहेगा, और रिंग फिंगर जो है, और जब भी हम क्लिक करते हैं तो जनरली जो है ये इंडेक्स फिंगर और जो है हमारा जो है मिडिल फिंगर का उपयोग करते हैं। और वहीं पे कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है, स्क्रॉल बटन का उपयोग करना रहेगा, तो स्क्रॉल बटन को भी हमको यूज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इसके लिए भी हम जो है इंडेक्स फिंगर का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे माउस के जो है उपयोग करने का और कैसे होल्ड करना है उसका भी तरीका हमने देख लिया। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा राइट हैंड से जो है राइट साइड का जो बटन रहेगा उसके लिए हम जो है मिडिल फिंगर का उपयोग करेंगे, और लेफ्ट साइड के लिए जो है आप इंडेक्स फिंगर का उपयोग करेंगे। अब हम आ जाते हैं माउस के पॉइंटर। तो कई बार हमारे जो है जब किसी भी एप्लीकेशन के अंदर या फिर जब हम उपयोग करते हैं तो हमको डिफरेंट टाइप के कर्सर यहाँ पे पॉइंटर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे माउस का पॉइंटर अगर ऐसा दिखाई देता है तो दिस माउस पॉइंटर विल बी अपीयर एस यू मूव इट अराउंड द स्क्रीन। जब भी आप इस टाइप का स्क्रीन जब आपको दिखाई देता है तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे उसमें जो है मूव कर सकते हैं, और किसी भी चीज को आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट किया जा सकता है। इट विल बी अपीयर एस द मूव इट अराउंड द स्क्रीन। जनरली जो है स्क्रीन में आपका जो है यही वाला जो दिख रहा है वो सिम्बॉल दिखाई देता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे सेकंड जो दिख रहा है इस टाइप का जो सिंबल है,
इस टाइप का जो सिंबल है, दिस माउस पॉइंटर विल बी ऑल्सो अपीयर एज यू मूव इट अराउंड द स्क्रीन, पर्टिकुलरली इफ इट ओवर द टेक्स्ट। जनरली जब हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो इस टाइप का ब्लिंक होते रहता है, अभी भी दिख रहा होगा आपको, लेकिन जब टेक्स्ट टाइप करते हैं तो इस तरीके का आपको यहाँ पे आ जाता है। इसका मतलब बताता है कि आप जब भी टाइप करेंगे तो वहीं पे ही टाइप कर पाएंगे जहाँ पे ऐसा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा जो स्क्रीन, तीसरा तरीका का जो सिंबल दिखाई देता है माउस पॉइंटर में, वो है आपका जो है फिंगर का। तो वाइल द वर्किंग ऑन द वेब ब्राउजर, जब भी आप किसी वेब ब्राउजर के अंदर काम करते हैं तो किसी लिंक के ऊपर जब क्लिक करना रहता है तो वहां पे जनरली इस तरीके का आपको यहाँ पे सिंबल आ जाएगा। इसका मतलब उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो वो एज़ ए हाइपरलिंक होता है, जिसमें क्लिक करते ही नया जो है क्या हो जाएगा, पेज या नया जो है आपके सामने जो है नया टैब ओपन हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे तीन तरीके का जो है यहाँ पे हमको क्या दिखाई देता है, सिंबल दिखाई देता है माउस में। एक होता है यहाँ पे जो है इस तरीके का जो है एरो वाला, फिर इसके अलावा जो है यहाँ पे ब्लिंक होने वाला, और एक होता है यहाँ पे फिंगर का जो है सिंबल। तो इस तरीके के तीन तरीके का सिंबल हमको माउस में दिखाई देता है। अब हम आ जाते हैं माउस ऑपरेशन, माउस के थ्रू कौन कौन से टास्क या काम को हम कर सकते हैं, और माउस से कौन कौन से टास्क जो है डिफरेंट टाइप के, जैसे माउस में तो जनरली तीन ही हमारा जो है बटन दिया हुआ है, लेकिन हम कई तरीके के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑल माउस डू नॉट यूज द सेम मैकेनिकल ऑपरेशन बट ऑल ऑफ देम कंप्लीसिंग द सेम टास्क। अब सारे जो मैकेनिकल जो माउस होते हैं वो एक तरीके का काम नहीं करता, लेकिन उससे हम सेम तरीके के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। सम ऑफ देम यूज टू ट्रैक बॉल, पहले जो माउस आते थे वो ट्रैक बॉल लगा रहता था नीचे, लेकिन आज जो है लेजर माउस का उपयोग किया जाता है, जिससे उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया है, आसान हो गया है। पहले जो माउस का उपयोग करते थे तो सरफेस जो है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, उसमें जो रिफ्लेक्शन जो है सही होना चाहिए, तभी काम करता था। लेकिन आज का जो माउस है वो कैसे भी सरफेस में काम करता है, तो उसका कारण है कि आज जो है मैकेनिकल माउस का उपयोग ना करके हम किस टाइप के माउस का उपयोग करते हैं, लेजर वाले माउस का उपयोग करते हैं, जिसमें एक लाइट जो है निकलते रहता है, और उस माउस का उपयोग करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है। तो देखिए, हम जब माउस का उपयोग करते हैं तो डिफरेंट टाइप के जो है ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट करने का ऑप्शन, ड्रैगिंग करने का, मूव करने का। तो यहाँ पे जो है सेलेक्ट हो गया, ड्रैगिंग हो गया, मूव हो गया, पेस्टिंग, ये सारे जो है ऑपरेशन को हम कर सकते हैं। वहीं पे ये जो ऑपरेशन रहेगा उसको लेफ्ट बटन से करेंगे, और जब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड का, तो राइट हैंड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि इसमें जब भी हम राइट हैंड का उपयोग करते हैं तो हमारे सामने जो है मेन्यू आ जाता है। जैसे अभी मैं राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक करने के बाद जो है इससे रिलेटेड जो है मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। द कमांड माउस माउस एक्शन आर एज फॉलोस, यानी बहुत सारे जो है हम जो है कमांड या एक्शन ऑपरेशन कर सकते हैं। पहला, क्लिक और लेफ्ट क्लिक। जनरली जब भी हम क्लिक की बात करते हैं तो लेफ्ट क्लिक होता है, तो जब भी लेफ्ट क्लिक का अगर किसी डेटा आइटम के ऊपर हम केवल क्लिक करते हैं तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, डेटा आइटम जो है वो सेलेक्ट हो जाता है, तो इसके लिए हम जो है इंडेक्स फिंगर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे डबल क्लिक का उपयोग कब करते हैं, जब भी किसी एप्लीकेशन के सिंबल के ऊपर हम जाके जो है आइकॉन के ऊपर जाके डबल क्लिक करते हैं तो उस समय वो फाइल क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं राइट क्लिक, तो राइट क्लिक का उपयोग करने से जो है उससे रिलेटेड जो मेन्यू हमारे पास आ जाता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जो भी ऑप्शन आपको अप्लाई करना रहेगा उसके लिए आपको फिर से लेफ्ट क्लिक का उपयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप की बात करते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू किसी भी डेटा आइटम को सेलेक्ट करके दूसरे लोकेशन में ले जाके अगर हम छोड़ देते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, वो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू जो है वो डेटा जो है कॉपी हो जाएगा, तो या फिर मूव हो सकता है, तो कॉपी या मूव करने के लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रॉल का बात कर लेते हैं, तो बीच में जो हमारा स्क्रॉल बटन दिया रहता है, जिसमें एप्लीकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा अगर लेंथ बहुत ज़्यादा उसमें पेजेस हैं तो हम आसानी से, अभी भी मैं जो है स्क्रॉल के थ्रू जो पेज को अप एंड डाउन कर पा रहा हूँ, तो जब बहुत सारे पेजेस हों तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पेजेस को देखने के लिए हम स्क्रॉल को उपयोग करके पेज अप पेज डाउन कर सकते हैं। तो स्क्रॉल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेज अप पेज डाउन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं ब्लॉकिंग, तो ब्लॉकिंग क्या होता है कि किसी भी डेटा आइटम को सेलेक्ट करने का एक अलग तरीका होता है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा आइटम में जो है एडिटिंग या फॉर्मेटिंग अप्लाई किया जा सकता है। जैसे मैं चाहता हूँ एक साथ जो है अलग अलग जो है डेटा आइटम को सेलेक्ट करूँ, तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ, एक बार किसी डेटा आइटम को सेलेक्ट किया, ये हर एक एप्लीकेशन में नहीं होता है,
तो जिस डेटा आइटम को मैं जब सेलेक्ट करता हूं तो यहां पे दिख रहा होगा कि मैंने इस डेटा आइटम को ब्लॉक कर लिया। इस तरीके से आप डेटा आइटम को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, और डेटा आइटम में जो है जो भी आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है उसको भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लिया कि माउस के थ्रू जो है कौन कौन से ऑपरेशन जो है परफॉर्म किए जा सकते हैं। क्लिक जो है डबल क्लिक हो गया, राइट क्लिक हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, स्क्रॉल हो गया, ब्लॉकिंग हो गया। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन जो है ऑप्शन में भी पूछे जा सकते हैं और आपके क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन कैन डन बाय यूजिंग माउस। तो आपको मालूम होना चाहिए कि माउस के थ्रू कौन कौन से ऑपरेशन जो है परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो टॉपिक आता है टाइपिंग इरोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। तो टाइपिंग करने के लिए जो है केवल टाइप करना ही जरूरी नहीं है, उसके सारे इरोनॉमिक्स के बारे में जानना जरूरी है ताकि आप क्या कर पाएं, सही जो है इफिशेंटली और इफेक्टिवनेस के साथ टाइपिंग कर सकें। इसके लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जो है उसके बारे में मालूम होना चाहिए, तभी आप सही तरीके से क्या कर पाएंगे, टाइपिंग कर पाएंगे। और उसके बाद जो आप टाइपिंग करते हैं तो आपका जो टाइपिंग करना वो क्या हो पाएगा, सही भी हो पाएगा, एक्यूरेसी भी आएगा और स्पीड भी आपके इंक्रीज हो जाएगा। तो सब यहाँ पे कुछ जो है टाइपिंग इरोनॉमिक्स की बात करेंगे जो होना बहुत ही जरूरी है। टाइपिंग करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप अगर एक दिन काम करते हैं और दूसरा दिन आपका तबीयत खराब हो जाता है वो भी टाइपिंग का इरोनॉमिक्स नहीं कहलाएगा। तो ऐसा टेक्नोलॉजी जिससे आप क्या कर पाए, सही तरीके से टाइपिंग कर पाए, उसी को बोलते हैं टाइपिंग इरोनॉमिक्स। तो सबसे पहला यहाँ पे देख लेते हैं सीटिंग पोजिशन की बात कर लेते हैं। तो टाइपिंग करने से पहले सबसे पहला जरूरी है वो है सीटिंग पोजिशन। तो यहाँ पे आपको एक इमेज भी दिखाई दे रहा होगा कि सीटिंग बैठने इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हमारा बैकबोन से लेकर आई फिंगर और हमारा जो हैंड है, हमारा जो फुट है, वो सारा चीज जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस होता है। अगर एक भी बैलेंस हमारा बिगड़ जाता है तो हमारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। तो जब भी हम कंप्यूटर के सामने बैठे तो हमारा जो फेस है वो कीबोर्ड के सामने होना चाहिए और हमको क्या करना है, स्ट्रेटली बैठना है। साथ ही साथ जो है किसी भी तरीके का हमको जो है हमारा नी जो है बेंड नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का हमको जो है अनकंफर्टेबल तरीके से हमको नहीं बैठना है, अदरवाइज हमको बहुत सारे जो है प्रॉब्लम आ सकता है। और ये सारा जो है पोजीशन को ध्यान हमको रखना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं पोजीशन ऑफ हैंड, हैंड का पोजीशन कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे दो इमेजेस आपको दिख रहा होगा, एक में क्या कर रहा है आपको जरूर लग रहा होगा कि ये जो है रिलैक्स पोजीशन में है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इसमें ज़्यादा लंबे समय तक आप काम नहीं कर सकते हैं, अगर आप लंबे समय तक काम करते हैं तो आपको बहुत सारे जो है प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपका जो है जो फोर आर्म है वो लेवल में होना चाहिए आपके कीबोर्ड के, जिससे आप क्या कर पाएं, सही तरीके से माउस या कीबोर्ड को ऑपरेट कर पाएं और बैठने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो नेचुरली जो है हमारा जो एल्बो है वो 90 डिग्री का एल्बो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, एंगल बनना चाहिए, तभी आपका जो है सही तरीके से आप काम कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे मॉनिटर प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, बेंड नहीं करना है, आपका जो आई का जो पोजीशन है वो स्क्रीन के सामने होना चाहिए, ना ही आपको ऊपर से, ना ही आपको नीचे से, ना ही लेफ्ट और राइट से आपको देखना है। और डिस्टेंस बिटवीन जो है स्क्रीन एंड फेस जो है या आई के बीच का जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए 60 से 65 सेंटीमीटर या इंच में करें तो 17 इंच के आसपास होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो स्क्रीन के बीच में हमारा डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो सेंटीमीटर की बात करें तो 60 से 65 और इंच में बात करें तो 17 इंच के आसपास अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए। तो इस तरीके से मॉनिटर प्लेसमेंट भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे माउस एंड कीबोर्ड प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो माउस और जो है कीबोर्ड जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, तो जहाँ पे जो है कीबोर्ड है उसी के जस्ट राइट साइड में जो है हमारा माउस होना चाहिए। और यहाँ पे कीबोर्ड एंड माउस के बीच का जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेट जो है 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा तो आप जो है कीबोर्ड और माउस के बीच में जो है सही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको स्मूथली काम करने या फिर में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इफर्ट लगाना पड़ सकता है। और साथ ही साथ जो है आपको एकदम टाइटली जो है कीबोर्ड और माउस को उपयोग नहीं करना है, क्योंकि टाइपराइटर नहीं है, वो आसानी से आप क्लिक करते हैं तो उसको सही से काम कर लेता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे चेयर एंड टेबल प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हाइट के हिसाब से अपने जो है कंप्यूटर का जो स्क्रीन है कहाँ के पे है उसके हिसाब से आपको हाइट को मैनेज कर लेना है। ना ही आपको एकदम नीचे होना चाहिए, ना ही ऊपर होना चाहिए, एकदम आपके फ्रंट में होना चाहिए।
वहीं पे अगर आप प्रिंटर यूज करते हैं तो जो मॉनिटर के जो राइट साइड है वहां पे भी आप या लेफ्ट साइड में आप अपना प्रिंटर को रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप सही काम करते हैं तो आपको काम करने में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं प्लेसमेंट ऑफ मैटर टू बी टाइप। जब भी हम अगर सही तरीके से अगर हम टाइप करते हैं तो उसके लिए हमारा जरूरी है जो फिंगर जो है लेफ्ट हैंड के लिए बनाया गया है तो उसको लेफ्ट हैंड के फिंगर से ही करना है, और राइट हैंड के जो फिंगर के लिए जो कीबोर्ड का जो जिस की को क्या किया गया है हमारे लिए बनाया गया है उसी में ही हमको फिंगर रखना है। यानी हमारा जो फिंगर का जो पोजीशन है वो कीबोर्ड में सही होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड के लिए जो लेफ्ट हैंड का फिंगर रहेगा उसी को रखना है, राइट हैंड के लिए राइट हैंड, और साथ ही साथ जो है हमको जो है एकदम जोर से या फिर हार्ड सरफेस हार्ड तरीके से क्या करना है कीबोर्ड का उपयोग नहीं करना है, और कीबोर्ड में जो की है उसको लंबे समय तक प्रेस करके भी नहीं रखना है। यहाँ पे हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट रहेगा उसमें हम प्रैक्टिकल वाले सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ जो बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू।